बीजेपी का विजय पर्व। नमस्कार, न्यूज टेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और फर्स्ट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ ही ये तो साफ हो गया है कि यूपी में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन स्वीप कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बंपर बढ़त के साथ जश्न की क्या तस्वीरें सामने आई है, जगह जगह किस तरह से जश्न मनाया गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बंपर जीत के साथ मनाई जाएगी। देश तो आने वाली 18 मार्च को होली मनाएगा, लेकिन 18 मार्च की होली से पहले यूपी में बीजेपी की होली शुरू हो गई। यूपी में सत्ता का नशा भगवा रंग में रंगा था और लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर रंग और गुलाल उड़ रहे थे। ये जीत का जश्न था, ये जश्न था 37 सालों के इतिहास को बदलने का, ये जश्न था बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने का, ये जश्न था योगी आदित्यनाथ की शानदार जीत का, ये जश्न था यूपी के इतिहास को बदलकर बीजेपी के भगवा परचम को बुलंद करने का। जाहिर सी बात है, भाजपा ने प्रदेश में अभी तक 4 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सत्ता रिपीट नहीं की है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो उत्तर प्रदेश में बदला है और ये इस तस्वीर का जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने एक बार फिर से उन्हें समर्थन इस बात को लेकर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। शुरुआत से आए रुझान ये साफ कर गए कि यूपी की सियासत का नक्शा फिर एक बार बीजेपी के भगवा रंग में रंग चुका है। सैंतीस साल का इतिहास अब बदल चुका है। बीजेपी ने जनता के विश्वास को जीता और मुहर लगी बीजेपी के कमल पर, जिसके साथ ही पूरे के पूरे यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त जश्न देखने को मिला। जीत का सेहरा बधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस प्रचंड जीत की बधाई पूरे प्रदेश को दी। जनता जनार्दन ने देश में व्यापक अपना समर्थन दिया है। चुनाव के प्रति हमने देखा है, खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर से आई तस्वीर इस बात की गवाह है कि पूरा यूपी बीजेपी की वापसी के जश्न में डूबा है। एक तरफ लखनऊ में बीजेपी की जीत की गूंज थी तो दूसरी तरफ सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में बीजेपी का डंका बज रहा था। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बीजेपी की जीत गूंज रही थी, सीएम योगी के जीत का जश्न था और जीत के इस जश्न के साथ ही गोरखपुर में समय से 8 दिन पहले ही होली मन गई। गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रचंड जीत का जश्न मनाया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल की अर्थी निकाली गई। गोरखपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक अनोखे ढंग से समाजवादी पार्टी के हार का प्रदर्शन किया है, साइकिल की अर्थी निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई है और बुलडोजर हावी है, उसको देखते हुए अब साइकिल को अर्थी पर ये ले जाकर के शमशान छोड़ रहे हैं। क्यों साइकिल की अर्थी निकाले, क्या होगा? अरे साइकिल की रेस इतनी चली कि हमारे सामने योगी जी का बुलडोजर आया और कुछ चला गया।
बीजेपी की जीत की भगवा एक्सप्रेस ने ताज नगरी आगरा के किले को भी फतेह कर लिया। आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का विजय रथ दौड़ तो होली से पहले ही शहर की हवाओं में जैसे गुलाल घुल गया। हर तरफ जीत का जश्न था और जीत के इस जश्न के बीच बीजेपी की जीत के हीरो योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगते सुनाई थे। आगरा में 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई और इसकी खबर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगती है, सड़कों पर जश्न का माहौल साफ देखा जाता है। इस समय आगरा में मौजूद हूँ और आगरा के मंडी शक्ति के बाहर अगर हम देखें रास्ते पर तमाम जो बड़े प्रत्याशी हैं वो अपने जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लड्डुओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो फूल माला पहनकर इस समय अपने प्रत्याशियों से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। भगवान शिव की नगरी वाराणसी की सड़कों पर भी बीजेपी की बंपर जीत का असर नजर आया। सड़कों पर बुलडोजर लेकर निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की इस प्रचंड जीत का जश्न मनाया। बुलडोजर पर सवार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी की गलियों से गुजरते जीत की खुशियां मनाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बुलडोजर पर जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर पर चढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर ने न सिर्फ माफिया बल्कि गुंडागर्दी को खत्म की और बुलडोजर ही इस चुनाव में मुद्दा बना रहा और इसीलिए बुलडोजर के जरिए वो अपना जो जश्न है वो मना रहे हैं। 37 साल के इतिहास को तोड़ते हुए बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी के बुलडोजर मॉडल पर मुहर लगाने के साथ ही ये साफ कर दिया कि यूपी में योगी की वापसी तय है। चुनाव के नतीजों ने 8 दिन पहले ही बीजेपी की होली मना दी तो दूसरी तरफ चुनाव नतीजे आने के साथ ही विपक्ष के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। टीम न्यूज ...2022 में सीएम योगी ने केवल विरोधियों का घमंड नहीं तोड़ा है बल्कि यूपी की सियासत से जुड़े कुछ मिथकों को भी तोड़ा है, जिसके डर से पूर्व सीएम नोएडा में कदम रखने से कतराते थे। इसके सियासी महासमर में जहां जाति बंधन के समीकरण टूट गए तो वहीं कई मिथक भी टूटते नजर आए। 22 के चुनाव में बीजेपी ने जीत की इबारत तो लिखी ही, साथ में कई ऐसे मिथकों को भी तोड़ दिया जो यूपी की सियासत से जुड़े हुए थे। 2022 में चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने यूपी में सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था तो इतना तो तय है कि सीएम योगी का ही दोबारा राजतिलक होगा। राजतिलक के साथ ही सीएम योगी का ये दूसरा कार्यकाल होगा और उनके शपथ लेते ही वह यूपी की सियासत से जुड़े 4 मिथक तोड़ देंगे। नोएडा से डरे थे अखिलेश यादव, उस नोएडा जाने का मिथक हुआ चकनाचूर। योगी नोएडा भी गए और दोबारा सीएम भी बनेंगे। 2017 से पहले नोएडा शहर सूबे के मुख्यमंत्रियों के लिए एक ऐसा मिथक था जिसे कोई चाहकर भी तोड़ ना सका। प्रदेश की राजनीति में नोएडा एक ऐसा मिथक था जिसके लिए माना जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा दौरे पर आता है उसे अगली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता है। यह मिथक कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के जमाने से बना हुआ था और यही वजह रही कि उनके बाद बने हर सीएम ने नोएडा से दूरी बनाकर रखी। नेता पर हावी नोएडा का डर। एनडी तिवारी साल 1989 में नोएडा गए थे, कांग्रेस के हारने से वो भी सीएम नहीं रहे। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह भी नोएडा गए। नोएडा के मिथक ने ले ली कुर्सी की बलि। यूपी की सियासत में नोएडा का डर सभी को रहा। सीएम रहते अखिलेश यादव भी कभी नोएडा नहीं गए, लेकिन सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही इस मिथक को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी 40 से ज्यादा बार नोएडा जाकर भी दोबारा सरकार बनवाने में सफल हुए। नोएडा के इस मिथक को लेकर बाकायदा सीएम योगी ने कहा था कि वो ऐसे मिथकों पर भरोसा नहीं करते और रूढ़ियों को तोड़ने में यकीन रखते हैं। यहाँ बार बार देखेंगे,
सालों बाद विधानसभा सदस्य बनेगा यूपी का सीएम।